इंदौर में भाजपा के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के पिता और भाजपा के वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला से मुलाकात के दौरान कहा था कि यह मुकाबला विष्णु प्रसाद शुक्ला के बेटे और उनके पोते के बीच है, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने कहा कि जब बाबूजी बीमार थे तब वो कहां गए थे, उनके नेता तो मुझे बच्चा कहते हैं, तो पुष्यमित्र भार्गव समझ ले कि वो क्या है। मैं तो एक नौजवान हूँ, इंदौर का बेटा हूँ, बाबूजी का पोता हूँ। मेरे पिताजी पूरे जीवन से उनका आशीर्वाद लेते रहे। तो पीढ़ी परिवर्तन का असर कैंपेन पे, वोट मांगने के तरीके पे दिखेगा। तो मेरा वोट इंदौर के उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आदमी से है जिसको नगर निगम से अपेक्षा है कि अमूलचूल परिवर्तन होगा, समझदारी से काम होगा, नए विचारों के साथ, नई ऊर्जा के साथ काम होगा। और इसमें पूरे पार्टी के कार्यकर्ता तन मन से मेरे साथ हैं। मैंने आपको कहा, बाबूजी ने मुझे विजयी भव का आशीर्वाद दिया है और वो विचारों की जीत होगी। मेरे पिताजी के पास दो पोते हैं, एक मैं उनका बेटा हूँ, एक पोता है। और मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी तो पूरा इंदौर में 18 लाख है, उसमें भी मेरी माँ भी है, मेरे बेटे भी हैं, मेरे भाई हैं, उनके तो एक के पोते बनने गए वो, और उनसे जीत जाएंगे क्या? मैं जनता जिताएगी, जनता का मैं पोता बना हूँ, जनता का बेटा हूँ, जनता का भाई हूँ, जनता का बच्चा हूँ, जनता में करके दिखाऊंगा। परंतु वो पोता कब कहाँ चले गया था, जब उनके पिताजी मार्च के महीने में 7 मार्च से 30 मार्च तक अस्पताल में लड़ाई लड़ रहे थे, वो पोता उस टाइम कहाँ गया था जब मुख्यमंत्री इंदौर के सपनों का शहर के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी उसी कन्वेंशन सेंटर में अपोलो अस्पताल में भर्ती थे, 22 दिन के वेंटिलेटर पे थे, उस टाइम वो मिलने क्यों नहीं गए? मेरे बड़े भाई उनके साथ में काम करते हैं, उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी बीमार हैं, परंतु उनके पास टाइम नहीं था मिलने का। आप देखिए, जिनने भारतीय जनता पार्टी को जिंदा करा था, और उसके अलावा कुलचंद वर्मा जी, सत्यनारायण जी, सत्तन जी, अजय धारकर जी ने जो इंदौर में जनता पार्टी को जिंदा रखा था उसके लिए लड़ाई लड़ी थी, परंतु उसको देखने का टाइम नहीं। उस टाइम वो पोता कहाँ गया था? उस पोते से ये पूछा जाए कि वो पोता आज क्या कर रहा है? आज सिर्फ एक पिताजी से वोट मिल जाएगा? मेरे तो 5 लाख पोते पिताजी हैं, मेरे को वो जिताएंगे? मेरे को एक पिताजी नहीं जिताएगा, वो एक पिताजी के पास जा रहा था, जी के पास जा रहा। मैं जनता के पोते हैं, मैं जनता का बेटा हूँ, जनता के पास जा रहा हूँ, और वो जिताएंगे बिल्कुल। उसको मिलेगा जो काम करता है इस दुनिया में, उसकी ही इज्जत होती है, जिसके दो बेटे भी हों। जो बेटा काम करता है उसके बाप इज्जत करता है, जिसका बेटा दूसरा काम नहीं करता उसको कम इज्जत मिलती है। मैंने वो काम करके दिखाया जो इंदौर का एक जनप्रतिनिधि करके दिखाया हो, तो मैं जो बोले मैं हारने तैयार हूँ। जो सामने वाले कैंडिडेट हैं वो मेरे साथ बैठे, आज बैठे, अभी बैठे, मैं बात करने को तैयार हूँ। वो मेरी बात का सब जवाब दे दें तो जनता वहाँ पर जो बैठेगी वो जो फैसला मंजूर करेगी, ये चुनाव आज ही है, हो जाएगा कि मेयर कौन बन रहा है।